मिलन समारोह हो रहा है यहाँ पे। ये मुझे क्यों लगा कि मैं इतनी जल्दी ये करके दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। जो भी चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिस जिसने पहले से कर रखा है थैंक यू सो मच। आज है 8 दिसंबर, 8th of December, मेरे मामा मामी की 25th एनिवर्सरी है, तो ये उसी का ब्लॉग होने वाला है। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, मम्मा यहाँ पे बर्तन धो रही है। अब थोड़ी देर बाद हम लोग तैयार होते हैं, हमें जाना है मतलब छोटे नाना जी के वहां, जो मामा मामी है उनकी एनिवर्सरी है। तो उससे पहले लेकिन हम लोगों को कहीं संगीत, महिला संगीत में जाना है तो वहां जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे नानी लोगों के वहां। मैंने पिछला 1 घंटा लगा के अपना ऊपर का कुर्ता ढूंढा, डिसाइड किया कि क्या पहनने, मतलब ऐसे 3-4 ऑप्शन रखे मम्मी के सामने की मम्मी बताओ मैं क्या पहनूं। फाइनली मम्मी वहां सामने शीशे में नजर आ रही है, आए कह दो मम्मी सबको। मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। आए मम्मी की सारी तैयारी हो गई। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि 1 घंटा लगा के मैंने पहले अपने कपड़े डिसाइड करे कि क्या पहनने हैं, और अब मुझे उसका नीचे का पजामा नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या करूं। मिशन सक्सेसफुल। ये है वो कुर्ता। अरे यार इसमें वो है ना प्रिंट है ना, इसमें रबर प्रिंट जो होता है, रब पता नहीं जो भी प्रिंट बोलते होंगे, तो ये चिपक जा रहा है इसे। हाँ तो ये है कुर्ता, लेकिन इसमें ना ऐसे फ्रंट स्लिट है एक, और वो जो स्लिट है ना वो बिल्कुल यहाँ से ऐसे खुलती है, वो बिल्कुल इतना अजीब लगता है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे तक सिल लेती हूँ ताकि जब वो खुले तो थोड़ा नीचे से खुले, तब भी थोड़ा ऐसे ऑकवर्ड फील ना हो। अभी टाइम हो रहा है 2:15 बज रहे हैं। ये रही मम्मा, और ये रही मैं। ऐसा लग रहा है ऐसे मैं काला काला पहन के आ रही हूँ, लेकिन नीचे इसके डिजाइन है। और ये मैंने यहाँ से सिल दिया है क्योंकि ये बस यहीं पे खत्म हो जा रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। तो चलो अब चलते हैं, पहले महिला संगीत में फिर नानी के वहाँ। तो हम अपनी पहली डेस्टिनेशन तो पहुंच चुके हैं, संकल्प वेंकट हॉल महिला संगीत में। पता नहीं यहाँ पे अंदर आया भी है या नहीं आया, 10 मिनट में उसने हमें वहां से यहाँ पहुंचा दिया। पता नहीं उसे क्यों लगा कि हमें इतनी जल्दी है करके, हमें तो नानी के वहां जाने की जल्दी थी ना, यहाँ थोड़ी ना पता है ना दो जगह जाना है। अरे तो यहाँ हम खा के ही तो जाएंगे, पूरा खाली है वेंकट हॉल, बस एक दो गाड़ियां हैं पीछे, स्कूटी स्कूटी दिखी रही है। वैसे मुझे तो घर से फील हो रहा था जैसे अब्दुल्ला दीवाना बेगानी शादी में। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये देखो खाली हॉल, खाली खाली, और हम कुछ ज्यादा ही फालतू थे, ऐसा लग हम नानी के वहां होके आ जाएंगे एक चक्कर। तो ये देखो हम कितनी जल्दी पहुंचे, हमारे साथ बस एक और आंटी आई है। 4:30 बज चुके हैं, अब जाके दुल्हन आई है, अब थोड़ी देर बैठते हैं फिर निकलते हैं खा पी के मस्त से नानी के वहां को। 5:30 बज चुका है, हम लोग पहुंच चुके हैं ऊंचापुर नानी के वहां। अभी छोटे नानी जी लोगों के वहां से हम होते हुए ऐसे रास्ते से गुजरे हैं, तो वहां भी कुछ हो नहीं रहा था, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी नानी के वहां। वहां देखते हैं कौन क्या तैयार हुआ है, मतलब अभी 5:30 ही हो रहे हैं वैसे तो। जी हम लोग नानी के वहां अब फटाफट से तैयार होते हैं, मेकअप वेकअप निकाल के फिर चलते हैं। अभी यहाँ कोई तैयार नहीं हुआ है, फटाफट से सब तैयार हो गए, मम्मा और मैं तैयार है, बाकी मामी लोग तैयार होते हैं, नानी तैयार हो गई है, चलते हैं। तो निकल चुके हैं हम लोग। हाँ मैंने बिंदी नहीं लगाई, तो निकल चुके हैं हम लोग, अभी निकलते हैं कि याद आएगी मैंने बिंदी नहीं लगाई है। पीछे वो कुछ लोग आ रहे हैं, ये कुछ हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे होंगे, कुछ लोग हमारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। मिलन समारोह हो रहा है यहाँ पे ये। तो दोस्तों मैंने बिंदी का पैकेट खरीदा दुकान से, पकाया था और बिंदी लगाई है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है अपना फेस बिना बिंदी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं, ये देखो हैप्पी एनिवर्सरी, ये रहे हमारे दुल्हा दुल्हन, फोकस मारा जाए, ये हमारी दुल्हनिया, ये दुल्हे राजा, ये बिल्कुल चमक रहे हैं, कौन कहेगा 25वीं है। देखो खूबसूरत सा डेकोरेशन यहाँ पे, खाने का है सब, पीछे म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड। तो पापा जी भी आ चुके हैं, मतलब आ तो पहले गए थे पर पापा भी तक मामा जी लोगों के साथ बातें कर रहे थे और नानी अंदर थी, तो अभी नानी बाहर आई है तो मुलाकात अभी हो रही है। Thank you.
हम लोग आ गए वहां से, बहुत गाने बज रहे हैं इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं वहां पे। वैसे ही व्यूज नहीं आ रहे हैं, फिर ऊपर से कॉपीराइट भी आ जाए। वाह, मतलब सोने पे सुहागा। व्यूज आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं ना? व्यूज मेरे ठीक है, ये बस मुझे आईना दिखाने के लिए है यहाँ पे, आपकी वजह से नहीं आ रहे। तो चलो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज बताइएगा, और मामा मामी को ढेर सारी विशेस भी दीजिएगा, और एडवांस में थैंक यू सो मच। और स्ट्रीट लाइट अब यहाँ पे से खत्म होने वाली है, इसलिए इस ब्लॉग को करती हूँ खत्म। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए वी लव यू ऑल, बाय बाय। अलमारी में लॉन्ग दिखी तो मैंने लॉन्ग अपने मुंह में डाल लिया, तो ये मैं सोचना कि मैं गुटखा खा रही हूँ, नहीं अभी नहीं खा रही। मामा मामी तो, मामा मामी तो, क्योंकि आप बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों केक आ गया है एनिवर्सरी का। 1, 2, 3 गो। कोई चीज पहली बार हो, तैयार हो रहे हैं हमारे दूल्हा दुल्हन, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। रूप सारा मोती घूमर न बजा छम छमा जागी जा।